नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। बंगाल में भाजपा का अत्याचार बढ़ेगा अगर तृणमूल का सीट घटेगा। इस पर भाजपा विधायक हरेन चटर्जी का पलटवार, कहा आधी पढ़ी लिखी आधी प्रबुद्ध है बंगाल की मुख्यमंत्री। सिलीगुड़ी में समलैंगिकों की ओर से गे प्राइड वॉक आयोजित किया गया। उन्होंने समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देना, बच्चे गोद लेने के अधिकार सहित कई मांगे उठाई। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक बीजेपी ओबीसी मोर्चा के धरना मंच कार्यक्रम में शामिल हुए, कहा ओबीसी के साथ भेदभाव करती है बंगाल सरकार। 22 सूत्री मांगों के समर्थन में नॉर्थ बंगाल वास्पोर एंड हरिजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने किया उत्तर कन्या अभियान, पुलिस ने रोका। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery, केवल 6 रुपए मा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज भाजपा विधायक हरेन चटर्जी सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसा। जब पत्रकारों ने विधायक हरेन चटर्जी को कहा कि बंगाल में टीएमसी की सीट घटने पर भाजपा का अत्याचार बढ़ेगा, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है, तब इसका जवाब देते हुए हरेन चटर्जी ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि ममता बनर्जी कहाँ की मुख्यमंत्री है। वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है या वह किसी विशेष धर्म वाले लोगों की मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री आधी पढ़ी लिखी है, आधा प्रबुद्ध है। इसी के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा के युवा प्रेसिडेंट इंद्रनील खान ने कहा, कई युवा छात्र धर्मतला में मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री दार्जिलिंग में जाकर नाच गाना कर सकती है, लेकिन छात्रों से मिलने का उनके पास समय नहीं है। ना उन्हीं कादर मुख्यमंत्री तो हमें आगे जानते चाहिए, उन्हीं हमारे पश्चिम बंगे मुख्यमंत्री ना उन्हीं कोनो एक विशेष धर्मावलम्बी मानुष देर मुख्यमंत्री जेजन उन्हीं कालीघाटेर मतो जगह माँ कालीघाटे जेखने जन्मस्थान से माँ कल ओखान उन्नी माथाय किसब पड़े टरे गए धर्मस्थान गए बसे थकें अन्न धर्मवलम्बी कि कालीघाटे इसे बसे थकें से मुख्यमंत्री के आगे अपना प्रश्न कर पश्चिम बंगे मानुषर प्रश्न करार समय चले बांगलार मुख्यमंत्री ना उन्नी बांगलेश प्रधानमंत्री होते चाहिए को ना सीए आगे माना बुझुक ना उन्नी तो सीए मान किसब बोलें का उन्नी पाखीगुलर नाम पर ठीक कर जानें ना ওনাকে বলুন আগে বর্ণপরিচয় পড়তে, বর্ণমালা পড়তে, আগে বাংলার যে অক্ষরগুলো আছে সেগুলো শিখতে, তারপরে ভালো করে বাংলা বলতে বলুন ওনাকে। আর্ধেক তো বাংলাই বলতে পারেন না, যখন যা মনে আসে তাই বলেন, সংস্কৃত বলার চেষ্টা করেন, আগে তো বাংলা শিখুক, তারপরে তো সংস্কৃত শিখবেন। পশ্চিমবঙ্গের অর্ধশিক্ষিত অর্ধজ্ঞানপ্রাপ্ত একজন মুখ্যমন্ত্রী যিনি নিজেকে বলেন যে আমি বাংলার মেয়ে, আসলে উনি কাদের মেয়ে সেটা সবাই বুঝে গেছে। कई मांगों को लेकर सिलीगुड़ी में समलैंगिकों की ओर से गे प्राइड वॉक आयोजित किया गया। उन्होंने समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देना, बच्चे गोद लेने के अधिकार सहित कई मांगे उठाई। उन्होंने सिलीगुड़ी में महात्मा गांधी चौराहे से जुलूस निकाला। जुलूस हिलका रोड होते हुए बागा जतिन पार्क में जाकर समाप्त हुआ। सिर्फ सिलीगुड़ी ही नहीं बल्कि कोलकाता समेत कई अन्य जगहों से समलैंगिकों ने प्राइड वॉक में हिस्सा लिया। इस दिन संगठन की ओर से बौद्धित्व ने कहा, हम बच्चों को गोद लेने के अधिकार समेत कई अधिकारों से वंचित है, समलैंगिक विवाह की कानूनी दर्जा मिले। उन्होंने सरकार से सभी अधिकार देने की मांग की। রূপান্তরগামী যারা আছে এলজিবিটি কিউ আই এ প্লাস কমিউনিটি, আমাদের এটাই দাবি যে আমাদের সিভিল রাইটস, পার্সোনাল লস দেওয়া হোক। আমাদের কোনো ম্যারেজ রাইটস নেই, অ্যাডাপশন রাইটস নেই, ইনহেরিটেন্স রাইটস নেই, কোনো অ্যাজ সাচ হেড ক্রাইম এবং হেড স্পিচের আগেনস্টে কোনো লস নেই। তো সরকারের কাছে এটাই দাবি যে এলজিবিটি কিউ আই এ প্লাস কমিউনিটির যাতে রাইটসকে স্বীকার করে এবং আমাদের রাইটস যাতে দেয়। আমরা ইকুয়াল, আমরা নর্মাল, আমরা নাগরিক এই দেশের, আমরা ইকুয়াল সিটিজেন্স, ইকুয়াল ভোট গিভিং সিটিজেন্স, আমরা ভোট দিই, আমরা হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন প্রফেশনে আছি, তো আমাদের কেন রাইটস দেওয়া হবে না? তো সরকার, সুপ্রিম কোর্ট যাতে আমাদেরকে রাইট দেয়, আমাদের পার্সোনাল লস আমাদেরকে ভ্যালিডেট দেয় এবং আমাদেরকে ইকুয়ালি দেখে সবাই। উই ওয়ান্ট ইকুয়ালিটি, হ্যাপি প্রাইড, আমরা প্রাউড। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने भारतीय जनता ओबीसी मोर्चा के धरने मंच कार्यक्रम में भाग लिया।
जो कल गुरुवार से शुरू होकर आज भी जारी है। भारतीय जनता ओबीसी मोर्चा के सदस्य कुछ बिहार के सागर दिघी के पास खुदीराम की प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। ओबीसी मोर्चा के अनुसार 1980 में मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार विभिन्न राज्यों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 17% आरक्षण दिया जा रहा है। धरना मुख्य रूप से 27% आरक्षण की मांग और ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने और चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को लेकर किया जा रहा है। देखो मूलत ओबीसी मोर्चार पक्ष गतकाल धर्ना चलते अपना स्वाभाविक भाई एत हजार हजार मानुषर समर्थन कैकशो समर्थक नहीं कल थे ओबीसी मोर्चार जरा नेतृत्व ता एखे धर्ना प्रदर्शन कर मन हो तर संगे व्याख्या करा से ही कारण तेज़ कौशल जानवर जो आज के तर विभिन्न जो दाबी दावा एकदि जमन ओबीसी सार्टिफिकेट देर कर पश्चिमबंग जे धरण बाधार सम्मुखीन होते हमें एखानकार ओबीसी भाई ओबीसी बने এটা এক কথায় সারা ভারতবর্ষের অন্য কোনো রাজ্যে দেখা যায়। আজকে যে ধরনের ওবিসি বিদ্বেষ এসসি বিদ্বেষ আমরা এখানে দেখতে পারি, পশ্চিমবঙ্গের বুকে দেখতে পারি, এই ধরনের ডিসক্রিমিনেশন অন্য কোনো স্টেটে কিন্তু হয় না। তো আমার মনে হয় এটা ইন্টেনশনালি এবং ওবিসি সার্টিফিকেট পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা করে দেওয়া এবং ওবিসি মোর্চার যে অন্যান্য দাবি দাবাগুলো আছে আমার মনে হয় সেই দাবি দাবাগুলোকে মান্যতা দিলে পরে আমাদের ওবিসি ভাইদের যেমন সুবিধা হবে সেই সঙ্গে সঙ্গে বহু সংখ্যক যুবক যুবতী উপকৃত হবে। विभिन्न मांगों के समर्थन में नॉर्थ बंगाल वास्पोर्ट एंड ओरिजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तर कन्या अभियान किया। 26 दिसंबर को नॉर्थ बंगाल वास्पोर्ट एंड ओरिजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सफाई कर्मियों ने कुचबिहार गांधी मूर्ति के पास से उत्तर कन्या अभियान की शुरुआत की थी। यह अभियान 22 सूत्री मांगों के समर्थन में था, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एक साक्षात्कार, दलित हरिजन सफाई कर्मचारियों का विकास, विभिन्न सरकारी कर्मचारियों में अस्थायी कर्मचारियों को स्थायीकरण करने जैसे कई मांगें शामिल थी। जैसे ही रैली उत्तरकन्या की ओर आई, पुलिस ने रैली को फुलवाड़ी मर्डर मोड़ पर रोक दिया। बाद में 8 जिलों के 8 प्रतिनिधि मंडल ने जाकर 22 सूत्री मांगों में समर्थन में एक ज्ञापन सौंपा। सबके जैसे ही हम लोग का एग्जाम देना पड़ता है, वैसे तो होता भी नहीं है, तो हम लोग के लिए तो थोड़ा कुछ स्पेशल होना चाहिए ना, थोड़ा दीदी को सोचना चाहिए। और हम लोग का जो भी है 22 होता अभी हम लोग वो लेकर दीदी के साथ मिलना चाहते हैं। हम लोग कहाँ से आए? हम लोग कोचबिहार गांधी मूर्ति से स्टार्ट किए हैं ये पशु यात्रा और ये हम उत्तर कन्या तक जाना चाहते हैं। नॉर्थ बंगाल वास्पोर्ट एंड ओरिजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन দলিত হরিজন সফাইকর্মীদের সার্বিক উন্নয়নে নর্থ বেঙ্গলের 8টা জেলা কুচবিহার, আলিপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর এবং দার্জিলিং জেলায় কাজ করে আসছে। আমরা বিভিন্ন দপ্তরে লিখিতভাবে জানিয়েও কোনো লোক সঠিক উত্তর না পাওয়ার কারণে আমাদের এখন মূল দাবি হচ্ছে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ চাই। আমাদের সমাজের যে 22টি সমস্যার সমাধান যাতে দুদিন হাত ধরে হয় এবং আমাদের নর্থ বেঙ্গলে একটা উন্নয়ন পর্ষদ যাতে তৈরি হয়, এই দাবিতেই আমরা আজ নর্থ বেঙ্গল থেকে কুচবিহারের আলিপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলা এবং জলপাইগুড়ি নিয়ে আমরা উত্তরকন্যায় আজ উপস্থিত হয়েছি। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कोलकाता न्यू टाउन इको पार्क का दौरा किया और इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। दिलीप घोष ने कहा कि तृणमूल में घमासान मचा हुआ है, यह पार्टी जल्द ही खत्म हो जाएगी। दिलीप घोष ने तृणमूल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है ऐसा कहा, इस कारण इसके एक एक नेता गिरफ्तार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पार्टी का जल्द ही खत्म हो जाएगा। টিএমসি এর মধ্যে লড়াই, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এটা কোনো খবর নয়, ওটাই স্বাভাবিক। ওদের ওরা বাইরে লড়াই করতে পারে না, ভেতরে লড়াই করে, আর এই করতে করতে পার্টিটা শেষ হবে। মন্ত্রী এমএলএ এই হাতাহাতি করছে, এটা কোনো পার্টি? টিএমসি দলের রাজ কারো হাতে নেই, ভগবানের হাতে আছে। যতদিন চলছে চলছে, যেদিন শেষ হয়ে চলে যাবে। ডাকাতদের দল তার আবার রাজ কী থাকে? দল তো এমনিতে দুর্বল হয়ে গেছে। যত চোর ডাকাত নিয়ে যদি আপনি রাজনীতি করেন, মানুষ সুযোগ পেলেই ছুঁড়ে ফেলে দেবে। উনি যতই বাঁচাবার চেষ্টা করুন বাঁচাতে পারবেন না, এবং বাকিগুলোও ভেতরে যাবে,
যারা একদিন লুটপাট করেছে। মমতা ব্যানার্জি রোজ সকাল থেকে গাইছেন টাকা নেই টাকা নেই, দিল্লি গিয়ে বলছেন টাকা নেই টাকা নেই, টিভি খুলুন দেখুন কোটি কোটি টাকা, যেখানে হাত দিয়েছে সেখানে টাকা, টাকার পাহাড়, আলমারিতে টাকা, খাটের নিচে টাকা, টাকা নেই বলছেন। টাকা তো আপনার লোকেদের বাড়িতে আছে, হ্যাঁ গরিব লোকের হাতে টাকা নেই, কেনা বেচা হচ্ছে না, বাজার করতে পারছে না, ছেলে মেয়েকে পড়াতে পারছে না, চিকিৎসা করাতে পারছে না, সব টাকা টিএমসি নেতাদের বাড়িতে। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टीयर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी, पहले पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी और उधेरे आकर्षक पुरस्कार है। टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 30 दिसंबर, पहले पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बांटा। टीयर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता शीतल सिंह के तपाई होने पालियो करोड़पति। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. Ah! যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। ওপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। देखिए कल नैन्सी के स्कूल में फीस भरने का दिन है, अब मैं क्या करूं? ऊपर से कल बैंक की भी छुट्टी है। जरा अपना मोबाइल देना। इस मोबाइल में आप क्या करने वाले हैं? मणप्पुरम लॉकर में जो सोना रखा है वो कब काम आएगा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अपनी जरूरत के समय कभी भी हम अपने सोने के मूल्य का पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। सोने को मणप्पुरम लॉकर में रखने से हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। Discover excellence at Mayur School Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. SIDWAP Siliguri रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से।
अब आप सिर्फ 500 रुपए में ट्रेन से मालदा से बेंगलुरु पहुंच सकते हैं। मालदा बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन रविवार से शुरू हो रही है। इसके लिए रेल मंत्रालय ने मालदा बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने की पहल की है। मालदा मंडल सूत्रों के अनुसार रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। वहीं इसी दिन देश के अन्य हिस्सों के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। उत्तर मालदा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह ट्रेन रविवार सुबह 8:30 बजे मालदा से बेंगलुरु के लिए रवाना होगी। यह 48 घंटा का सफ़र पूरा करने के बाद मंगलवार सुबह 3 बजे बेंगलुरु पहुंच जाएगा। ये अमृत भारत ट्रेन है जो कि कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनॉग्रल रन कल फ्लैग ऑफ होगा। इस ट्रेन में 22 कोच जनरल और स्लीपर टाइप के हैं, जीएस और जीएससीएन टाइप के। ये एलएचबी टाइप का कोच है। इसमें पुश पुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, यानी कि जो गति पकड़ने की क्षमता है, एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा है इसका। इसमें जैसे कि एचओजी टेक्नोलॉजी यानी कि हेड ऑन जनरेशन है। नॉर्मली आप देखते हैं जो ट्रेन होती हैं उसमें जनरेटर कार आगे और पीछे लगी होती है, जिसका कि काफ़ी ध्वनि होती है, साउंड काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें वो चीज़ बिल्कुल नहीं है, और इंजन ही जो है वो होटल लोड यानी कि पंखे, बिजली, ये सब चीज़ें वो प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इसमें पैसेंजर एमिनिटीज़ बहुत ही एडवांस्ड टाइप की हैं। सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है, पैर से पुश करके नल खोलने का की व्यवस्था है, हाथ से छूने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न टॉयलेट्स हैं लगभग वैक्यूम वाले, और उसमें इमरजेंसी बटन है। जो जनरल कोच है उसकी ऊपर वाली बर्थ में भी कुशन प्रोवाइड किया हुआ है। इसकी सारी सीट्स बड़ी ही एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड है, इनमें थकान कम होगी। जो इसका ड्राइवर है, जो इंजन की कैब है, वो एयर कंडीशनड है। राजगंज के विधायक खगेश्वर रॉय ने हाइड्रेन और सड़क चौड़ीकरण का शिलान्यास किया। लोक निर्माण विभाग के बजट के मुताबिक करीब 4,80,00,000 रुपए की लागत से 900 मीटर हाइड्रेन और 2 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। इस संबंध में राजगंज के विधायक खगेश्वर रॉय ने कहा, इलाकावासी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। अगर ये सड़क और नालियों पूरी हो जाएगी तो इलाकावासियों को फायदा होगा। इस दौरान राजगंज पंचायत समिति के अध्यक्ष रूपाली देश सरकार, जलपाईगुड़ी जिला परिषद के सदस्य उत्तरा बर्मन, जिला परिषद पूर्व शिक्षा अधिकारी देवाशीष प्रामाणिक, समाजसेवी अरिंदम बनर्जी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। যে রাজগঞ্জ বিধানসভার অন্তর সুকানি অঞ্চলে রাজগঞ্জ বাজারে বহুদিনের এখানে বহুদিনের দাবি ছিল যে ড্রেন, তাই আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মমতা ব্যানার্জি অনুপ্রেরণায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দপ্তরের উদ্যোগে এবং ব্যবস্থাপনায় এই রাজগঞ্জ বাজারে একটা ড্রেন প্লাস ভাটাপুর ইয়া তোমার আমাদের রাজগঞ্জ কলেজ থেকে যেটা আছে একদম ভাটাপুর চৌরা হবে, তার শিলান্যাস করার মোট ব্যয় হবে প্রায় 4,50,00,000। রাস্তার ড্রেন দুটোই হচ্ছে না? হ্যাঁ, রাস্তার ড্রেন দুটোই না, শুধু ড্রেন ড্রেনটা হবে, এই পাশটা চওড়া হবে না, রাজগঞ্জ কলেজ থেকে একদম ফাটা পর্যন্ত চওড়া হবে। আর তোমরা যেটা জানো, নিশ্চয় দেখেছো যে শুধু রাস্তা আজকে সাউটাঙ্গি থেকে বরতলা চওড়া রাস্তা শুরু হয়ে গেছে, এবং জটিয়াখালি থেকে আবার এটা চওড়া হয়ে গেছে। আজকে বরতলা থেকে গেট বাজার ওটাও চওড়া হবে। আবার আমার বাড়ির পাশে যে ব্রিজ, কত বড় ব্রিজ, সেটাও কিছুদিনের মধ্যে কাজ শুরু হবে। এবং জয়ন্ত রায় বলেছিল সাংসদ কি পানিকরি মোড় থেকে একদম হরিহর হাইস্কুল এক কচুরি পানা এনে বলছিল, দেখেছিল এখানে, এই দেখো তৃণমূলে পঞ্চায়েত প্রধান কোনো কাজেই করে, তাই দেখিয়ে দিতে চাই এই কয়েকদিনের মধ্যে ওই রাস্তাটা উদ্বোধন করা হবে। অনেক সুবিধা, পুরো বর্ষার সময় এত জল জমে কল্পনা করে দেয়, রাজগঞ্জবাসী যারা আছে তাদের যাতায়াত খুবই অসুবিধা হয়, তার জন্য ড্রেন হলে রাজগঞ্জ ব্যবসায়ী যারা আছে এবং বাইরের থেকে যারা এই দোকানে যে কোনো জিনিস কিনতে আসে তাদের সুবিধা হবে। सिलीगुड़ी के रतखोला में कल 2 गैस सिलेंडर चोरी हो गए थे, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। सिलीगुड़ी के रतखोला निवासी शिखा दास की सास का कुछ दिन पहले निधन हो गया था। कल श्राद्ध कार्यक्रम था। श्राद्ध कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। रसोई का काम शुरू होने से पहले चोरों के एक समूह ने घर के मंडप से 2 गैस सिलेंडर चुरा लिए। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना सिलीगुड़ी थाने की पुलिस को दी। एंटी क्राइम विंग पुलिस को सूचना मिली कि 2 युवक गैस सिलेंडर को बेचने के लिए दुर्गादास कॉलोनी में गए हैं। पुलिस ने तुरंत छापेमारी की और उन्हें पकड़ लिया और उनके पास से दोनों गैस सिलेंडर बरामद कर लिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया।
सिलीगुड़ी के फाफड़ी शिवनगर इलाके में छाया हाथियों का आतंक। हाथियों ने 3 घरों को किया क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोगों ने फोन न उठाने का वन विभाग पर लगाया आरोप। इलाके की रहने वाली रूपाली रॉय ने बताया कि बीते रात करीब 2 बजे हाथियों ने इलाके में हमला कर दिया और करीब 3 घरों को तोड़ दिया। उन्होंने वन विभाग को मदद के लिए फ़ोन किया लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। रूपाली रॉय ने कहा कि न केवल कल रात बल्कि किसी भी समय खतरे में होने पर भी वन विभाग के कर्मचारी सहयोग नहीं करते हैं। ठाकुर आसे तो भांगी टांगी दे गल ये कथी मैंने कि हाथी ना जन फर्स्ट गाड़ी फोन कर फर्स्ट गाड़ी आसी ना মানে ফার্স্ট কে বারবার ফোন করা হচ্ছিল বারবার ফোন করা ফোন উঠাচ্ছে না আসিও না কখন কা ঘটনা এটা এটা 2টা রাত্রি রাত্রি 2টা দিকে একজনই ছিল হ্যাঁ একজনই ছিল আচ্ছা ডেইলি বার আছে কি ডেইলি আছে ডেইলি একদিনও বাদ নাই ডেইলি আছে কতটা ক্ষতি হয়েছে ক্ষতি তো মানে প্রায় ভাঙে চুরে যায় এলাই ক্ষতি করে ফরেস্ট থেকে আসে না কোনো সহযোগিতা করে না আসে মানে কি এটা ওর বাড়ি ভাঙলো মানে কি একটু বানায় টানে দিছে আর কই কিছু নেই আর যখন বাড়ায় তখন কে আসে ফোন করলেও আসে না ফোন করলেও আসে না যখন ফোন করে না তখন আসে আসে একটু দেখে টিকে চলে যায় কতটা আতঙ্কেতে থাকেন কি ভয়ে থাকি আমরা জানি বাপরে কালকে কি কি ইচ্ছি ভাবে ছিলাম আমি জানি আর ভগবান জানে বাপরে বাপ। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाना अंतर्गत खड़िया क्षेत्र के नया पाड़ा इलाके में नशीली दवाओं का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। स्कूली छात्र घर के बर्तन बेचकर ब्राउन शुगर खरीदकर नशे में धुत हो रहे हैं। गणतांत्रिक महिला समिति के सदस्यों ने जलपाईगुड़ी के कोतवाली थाने के IC को एक ज्ञापन देकर अवैध नशा व्यापारियों के खिलाफ तत्वरीन पुलिस कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत मिलने के बाद कोतवाली थाने के IC अर्ध सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। महिला संगठन की नेता काकली महेश्वरी ने कहा कि नया पाड़ा इलाके में कुछ बेईमान व्यापारियों के लिए ब्राउन शुगर का कारोबार चल रहा है। यदि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। আইসি বললেন যে আমরা অবশ্যই স্টেপ নিব। সাথে সাথে উনি হোয়াটসঅ্যাপে নিয়ে ওনার যে অফিসারদের দেওয়ার জন্য কথা সেটা উনি পাঠিয়ে দিলেন। স্টেপ নেওয়া শুরু হয়ে গেছে। ওনার কাছে আমরা 7 দিন টাইম দিয়েছিলাম। আমরা বলেছি যে 7 দিন যদি 7 দিনের মধ্যে যদি না হয় তাহলে পরে কিন্তু আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। তখন উনি বলছেন ঠিক আছে আমি এখনই আমি আপনার সামনে দেখুন আপনি স্টেপ নিচ্ছি আমি আমার লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি আশা করি এটা সফল হবেন। আর যদি পরবর্তীতে যদি উনি থাকবেন না বললেন আমি ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছি পরবর্তীতে যে অফিসার আসবেন তার ওনার নাম্বার টাম্বার আমাদেরকে দিয়ে দিলেন ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন। আমরা আশা করছি ওনার কথাতে যেটুকু আশ্বস্ত হলাম তাতে বুঝতে পারলাম যে উনি আমাদের কাজটা করা শুরু করে আজকের থেকেই শুরু করে দিলেন। আগামীতে আমরা দেখি কতদূর কী হয়। কারণটা কী হয়েছে বলুন তো? কারণটা হচ্ছে আমাদের নয়াপাড়া যে এলাকাটা সেই এলাকাটা প্রচণ্ডভাবে ড্রাগ বিক্রি হচ্ছে। সেখানে সে কয়েকজন বিক্রি করছে এবং এলাকাটা ভীষণভাবে মানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অল্প বয়সের ছেলেপেলেরা স্কুল কলেজ বাদ দিয়ে বাড়ির থেকে জিনিসপত্র চুরি করে সেগুলো বিক্রি করে ড্রাগের সঙ্গে ড্রাগ নেশা করছে ড্রাগের নেশা করছে। সেই এলাকার মারা বাবারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, মহিলারা ক্ষতিগ্রস্ত। সেই জন্য আমরা মহিলা সমিতিগতভাবে আজকে আমরা IC-তে ডেপুটেশনটা দিই। আমার নাম কাকুলি মহেশ্বরী। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK Live। धन्यवाद। 6 रुपया माँ 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया के 1 करोड़ केवल 6 रुपया माँ 6 रुपया माँ 1 करोड़ वाओ 6 रुपया माँ 1 करोड़ किन्न होस डेढ़ साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपया माँ अनि जितनु होस पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया 6 रुपया माँ 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया माँ 6 रुपया डेढ़ साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो।